के लिए। प्यारे के लिए जिनका एग्जाम आने वाला है, कैसे मैं के 926 पहुंचा के में। साल था 2019 का और हमने अकेडमी छुट्टी की गैर पढ़े भी आ जाते तो पढ़ने की क्या जरूरत थी बात तो सही है फिर मुझे याद आया कि यार पढ़ा तो नहीं था ना <laughs> <laughs> मेरे पैसे ले ली तो जब मैंने देख लिया थी अब मैंने कहा कि कौन सी जगह से कौन सी साइड मैं पढ़ लू पाकिस्तान में किसी भी से से फेमस था। अरे कहना क्या चाहते हो? उसने और और बजा दिया हमारे। के में में मार्क्स मार्क्स यार प्रूफ के साथ ही बात करेंगे। कि थे वन और केमसी में होने थे सिर्फ बंदे और मेरा मेरिट नंबर था एट इन होल Remember, अगर मेरे जैसे इंसान कर सकता है तो आप में से हर कोई कर सकता है बस इटव

अगर दो हजार दो हजार पांच सौ से ऊपर है तो मेरे पे तो इतना है नहीं कि मैं इनको पीछे खींच सकूं तो मैं तो गया भी, भी। तो स्टेट के बदना तो मुझसे ऊपर जाया जा रहा के पास और मैंने हिम्मत करके काल की मदर को तो आपकी बातों में कितना फर्क था मैंने उसे में कहा यार दी बीडीएस के एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी ये सूरत हाल आ गई की मेडिकल तो छोड़े बीबीएस छोड़ो बीडीएस में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है तो बस इसी के साथ हम रह गए तकरीबन टू पॉइंट फाइव और थ्री ग्रेड के साथ मैं रह गए और बात ये थी कि जो मेरे टॉपर्स दोस्त थे वो भी ज्यादातर रह गए थे हो। उनका भी 1.5 या 0.5 एग्रीगेट बहुत ही कम मार्जिन से रह गए थे तो मैं कल की सुबह बाल बना रहा था और मेरे बुनिचे और वो मुझे कहने लगे दिट वॉज दोस्ट मोस्ट डीमोटिवेटिंग पॉइंट ऑफ माय होल लाइफ तो वो मुझे कहने लगे यार फैसल अगर तुम्हारी जिस तरह की हरकतें हैं और जिस तरह का तुम जी रहे हो अगर तुम के तो छोड़ो तुम मेडिकल कॉलेज छोड़ो तो तुम पूरी जिंदगी में कामयाब होगे तो फिर मुझे कहना तो बस ये अल्फाज थे और बस जो मेरे दिल को चीर गए तो उन्हें मुझे कहा कि आज ही जाओ और अपने लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला करो और बस फीस जमा कर देंगे और तुम्हारे माई में जो मैं तुम्हारी और टेंशन नहीं ले सकता तो बस उन्होंने आर एम में मेरा मतलब फॉर्म जमा किया और से बस सिर्फ इंटरव्यू का टाइम रह गया था तो मैंने बुको को कहा यार मुझे एक और चांस चाहिए वो कहते हैं ना माजी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता तो मैं माजी का सोच रहा था मैंने कहा यार मेरा पास्ट कैसा था तो ये क्या से क्या हो गया हमें ऐसे तो नहीं होता है तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे रिपीट करना है खैर उस टाइम रिपीटिंग बड़ी जलालत थी अब तो रिपीटिंग बहुत कॉमन पॉइंट है बहुत सारे लोग रिपीट कर करके ही होते हैं तो फिर मेरे अबू ने एक दिन बाद मुझे कॉल किया और बड़े प्यार से कहा कि यार फैसल तुम अगली बार किमसी में हो जाओगे बस मेहनत करता दो मुझे समझ में आ गया उनका दिल नहीं है इतना मतलब उनका दिल लल चला गया है कि यार दस बारह लाख क्यूँ दो रिपीटिंग है कर लेगा समझ रहे हो उड़ती उड़ती खबर भी आना शुरू हुई इनडायरेक्टली मुझे कि यार दोस्त कह रहे थे कि बस फैसल तो गया क्योंकि उस टाइम जब कोई रिपीट हो जाए तो लोग समझते थे कि बस ये तो गया बड़ी मुश्किल होते थे रिपीटर का होना तो यार सब कह रहे थे और हर जगह से फैमिली से और एक जगह से और दूसरी जगह से सुनने में आ रहा था कि बस यार बस ये तो गया और ये क्या टॉपर था और ये क्या हो गया और वो। तो इस मोड़ पर एक बात किसी को ना पता थी ना तो मेरे पेरेंट्स को ना तो मेरे दोस्तों को ना मेरे फैमिली वालों को के द किंग वॉज बैक मैं अपने असली फॉर्म में आ चुका था और मैंने कहा था यार अब करना है अल्लाह ताला ने ये में क्वालिटी डाली है कि बस एक बार टाल लिए यार कि ये करना है तो फिर वो चीज करनी नहीं है सबसे बेस्ट बनना है बेटर भी नहीं सबसे बेस्ट उसमें बनना है। अच्छा तो फिर मेरी रिपीटिंग ईयर की शुरुआत हो गई थी और मैं बिल्कुल सीरियस हो गया था और मैंने काम करना उस महीने से स्टार्ट कर दिया था जिस महीने में कोई काम नहीं कर रहा था क्योंकि अम्लिकेट खत्म हुआ और लोगों ने एक डेढ़ महीना रेस्ट मस्ट लिया मैंने उसमें रेस्ट भी नहीं लिया मैंने अपनी जो फॉर्म थी वो जारी रखी और काम करना शुरू कर लिया और मुझे इतना समझ में आ गया था कि मैंने सेक्रीफाइस करना विदाउट सेक्रीफाइस नहीं हो सकता तो मेरे बिल्कुल फ़र्स्ट कज़न की शादी आई उसके बीच में मैंने वो शादी अटेंड नहीं की थी हालांकि मेरे कज़न की कभी पहले शादी नहीं मतलब वो मेरा फर्स्ट कज़न था जिसकी शादी हो रही थी इसके अलावा मेरा मामू जो कि मेरे लिए सेकंड फादर आता है मतलब एज एगेंड फादर वो हो गए थे बिल्कुल सीरियस बीमार इंतहाई सीरियस तो मैं उनकी बीमारी का पूछने भी नहीं गया है, और उनकी बीमारी पूरी एक महीने चली थी तो सारे फैमिली वाली भी बातें करने लगे थे यार वो आ भी नहीं रहा ये और वो तो मेरे मामू ने उनको जवाब दिया था कि यार जब चांद निकलेगा तो सब उस दीदार करेंगे मज़ा आया ये लिटरली मेरे पप्पो ने बताया था कि वो महफिल में उन्होंने ये जवाब दिया था तो बातें करने वाले बातें करते गए और सपोर्ट करने वाले मुझे सपोर्ट करते गए तो बस मैंने वो चार पांच महीने ऐसी पढ़ाई की ऐसी पढ़ाई की कि पांच अप्रैल तक मैं बिल्कुल रेडी था तो फिर आया फर्स्ट अकेडमी टेस्ट जो इन यूकॉन टेस्ट है जिसके लिए सब इंतजार में थे तो अप्रैल में वो टेस्ट था और मैं उस टेस्ट में पे हुआ तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं था बस मैंने कहा यार चलो अच्छे मार्क्स आ जाए पर जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो भैया मैं था सेकेंड पोजिशन यूकॉन के पहले टेस्ट में मेरी पोजिशन आ गई थी और सारे दोस्त हैरान और सब हैरान किए क्या हो क्योंकि अकेडमी टेस्ट में पोजीशन लेना इट इज़ मोर डिफिकल्टन क्लियर एमडिकेट एंड सिक्योरिंग पोजीशन मेडिकल कॉलेज ये उससे कई ज्यादा डिफिक्टे इवन एके एम सी में मैथ्स मुझसे इम्प्रेस थे इस बात पर कि यार मैंने अकेडमी टेस्ट में पोजिशन ली थी तो उसके बाद सेकेंड टेस्ट एम MM एम का था तो मुझे एक दोस्त की कॉल आई यार टेस्ट के बाद यार टेस्ट में आज गया तो उसकी वो सूर्त थी जो मेरे फर्स्ट एमडिकेट अटैप्ट में हाले थे तो उसने मुझे कहा यार इतने ज्यादा लो होते थे और मैं नर्वस तो मेरी बी पी लो हो गई थी तो मैंने चॉकलेट खाई और वो तो उसने मुझसे पुछते यार क्या तुम्हारी क्या सिचुएशन थी क्या फीलिंग थी तो अब मेरे तो कॉन्फिडेंस का लेवल ये लगता तो मैंने कहा यार मैं वहां जा रहा था तो दो लोगों को ढूंढ रहा था तो उसने मुझे पूछा यार कौन से दो लोगों को मैंने कहा था मैं दो और पोजीशन होल्डर्स को ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे पता एक तो मैं हूं। क्या बात ये बात है

एक एकेडमी टेस्ट में पोजीशन लेना और दूसरा उस ईयर का आगा खान टेस्ट क्लियर करना क्योंकि मेरे दायरे में जितने लोग आते थे दूर दूर तक किसी ने आगे खान टेस्ट क्लियर नहीं किया था आई वॉज वन तो टेस्ट क्लियर करने के बाद आगा खान की इंटरव्यू थी जो इसमें बहुत ज्यादा टाइम था और फिर उस इंटरव्यू का रिजल्ट था जिसमें भी बहुत ज्यादा टाइम था तो इसी के बीच आया एम डी कैट और थोड़ी तो सी डिफरेंट थी क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट हो गया था तो टेबलेट पर टेस्ट अटैप करना था। तो टेबलेट जब मुझे मिला तो मैं कॉन्फ्रेंस में शुरू हुआ और मैंने टेस्ट अटैम्प्ट किया और जब मैं वापस आया तो घर पहुंचने से पहले ही रिजल्ट आ चुका था पर और जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा वन सिक्सटी फोर मैं सोच में था यार कि पिछले साल तो मेरे 165 थे इस साल एक मार्क उल्टा कम आया है बट उस साल ये चर्चाएं हो रही थी टेस्ट से पहले कि टेस्ट में कुछ खराबियां हैं और ये है और वो है सब लोग फेल होते जा रहे हैं मतलब 160 प्लस मैंने पहली बार सुना था क्योंकि मैं टीचर से रास्ते में तो उनको वन प्लस वाला बंदा नहीं मिला था आई वॉज ओनली फर्स्ट वन जिसके वन प्लस आए थे तो मैं तो खुद पर कॉन्फिडेंट था मैं तो जरा भी नहीं जग मगाया पर किचन से उसी टाइम अम्मी निकली मैं घर में ही था और अमी ने कहा कितने मार्क तो अब मैंने ये सोचा कि यार इनको कैसे समझाऊंगा बात तो सही है बिकाल लाई तो अबू ने भी कहा यार तेरा तो एक मार्क कम है उल्टा तो मैंने कहा है कि यार इस तरह किस तरह की बात है तो अबू का मुझ पर कॉन्फिडेंस आ चुका था तो उन्होंने कहा यार चलो ठीक है अल्लाह करे जैसे तुम कह रहे हो वैसा ही हो तो मेरी रेपुटेशन ये चल रही थी कि दोस्तों को जब मेरे मार्क्स का पता चला तो उन्होंने कहा कि यार वाकई टेस्ट में खराबी है मतलब सोशल मीडिया पर जो भी लोग कह रहे वो नाइनटी वन नाइनटी वो जूटे पर कुछ दिनों बाद के हफ्ते बाद न्यूज आई कि यार वाकई पीएमसी ने कबूल कर लिया कि हमारी खराबी है टेस्ट वापस रिचेक हुआ और रिचेक होने के बाद न्यू मार्क्स आए और मेरे न्यू मार्क्स थे वन

ये बात है कि मेरे अबू ने अभी तक मुझसे नहीं पूछा हालांकि सेकेंड ईयर खत्म होने को पर अभी तक उसने मुन्ने मुझसे नहीं पूछा क्या रागा खान के रिजल्ट का तुम्हारा क्या हुआ बात तो सही है तू समझा हाँ। नहीं तू समझा नहीं फीस स्ट्रक्चर इनका सबसे ज्यादा होता है पहले साल की अगर बात की जाए तो तकरीबन सत्ताईस से अट्ठाईस लाख रुपए जमा कराने होते हैं